तो दोस्तों फाइनली एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं ईमो के नए अपडेट के ऊपर ये वीडियो। इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, और जब भी मैं ईमो से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालता हूँ आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। उसमें मैंने कुछ सिक्योरिटी टिप्स दिए हुए थे जिसका आप इस्तेमाल करके ईमो पे और भी ज़्यादा सेफली बात कर सकते थे। लेकिन किसी ने हमसे सवाल किया था कि हाउ दिस वर्क इन टू इन इनक्रिप्शन नॉट टेल, जबकि हमने बताया था। हो सकता है उन्होंने पूरी वीडियो ना देखी हो, तो हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि आपको इन टू इनक्रिप्शन से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं, और भी ज़्यादा आप सेफली तरीके से ईमो पे बात कर पाएँ। कुछ ऐसे नए अपडेट आए हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी और भी ज़्यादा सिक्योर रह के बात करने की। जैसे क्या होता है कि हम ईमो पे बात करते हैं, ऑडियो वीडियो या फिर फोटो शेयर करते हैं, वॉइस शेयर करते हैं, यानी हम भी जो भी बोल के मैसेज भेजते हैं वो इनसिक्योर था। इससे पहले कोई भी उसे डाउनलोड कर सकता था, चाहे आप फोटो भी भेजते हो वीडियो भेजते हो वो डाउनलोड कर सकता है। यानी अगर हम किसी थर्ड पार्टी को यानी किसी दूसरे के पास, जैसे कि हम मैसेज भेज रहे हैं अपने दोस्त के पास, रिश्तेदार, घर किसी के पास, तो कोई भी उसे डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव करके रख सकता था। लेकिन फिलहाल के लिए नए अपडेट में आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, यानी कोई भी आपकी वीडियो जो है आप बात कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता था, बात करते करते रिकॉर्ड कर लेते थे, बाद में आपको हो सकता है उससे कोई ब्लैकमेल कर रहा हो या फिर आपको परेशान कर रहा हो, अब वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम जब सबसे पहले जाएंगे ईमो में, तो ये हम ईमो खोल लेते हैं। तो ये हमारा ईमो ओपन हो चुका है और ईमो में बहुत सारे नए नए ऑप्शन आए हुए हैं। मैं सोचा इस पर बता दूँ, और मैं पता नहीं कब वीडियो डालता लेकिन भाई साहब ने कमेंट कर दिया, तो मेरे अंदर थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ यार बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने फ़ोन में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक प्राइवेसी का ऑप्शन आ रहा है और इसमें एक नया ऑप्शन जुड़ गया होगा। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप अपना ईमो अपडेट कर लेना ताकि ये सारे ऑप्शन आपको दिख जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो चैट एंड कॉल प्राइवेसी में जब जाएंगे हम, तो यहाँ पर आपको कई सारी ऑप्शन दिखने मिले। जैसे डिसअपीयर मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है, अगर इसे आप ऑन कर दोगे यहाँ पर कुछ समय दिखाएगा 30 दिन के अंदर, तो जो भी आप मैसेज भेजोगे ना ऑटोमेटिक डिलीट होते रहेगा, ठीक है। पीछे से जितना दिन आप सेट करोगे उतना दिन उसे लगेगा। फिर यहाँ पे टाइम मशीन है, इसका आप इस्तेमाल करके अपने पूरे चैट को डिलीट कर सकते हो एक साथ में। यानी इसे इनेबल जब कर दोगे तो जो भी आपके फ़ोन में मैसेज आते रहते ना, इसे देखो यहाँ पे मार्क कैसा कर रहा है, यहाँ पे एक डेमो चल रहा है वीडियो, तो इस तरह से आप उसे डिलीट कर सकते हो एक ही बार में। यानी जो मैसेज डिलीट करना है जो नहीं डिलीट करना है आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक स्क्रीनशॉट फॉर चैट के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिला है, हमने ऑन किया हुआ, अभी ऑन कर लेना है। यहाँ पे देखो इससे क्या होगा कि कोई भी आपका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा बात करते हुए या फिर जो मैसेज आपने भेजे हुए वो भी। और यहाँ पे एक और ऑप्शन नया जुड़ गया है, ब्लॉक शेयर डाउनलोड एंड कॉपी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसको आप ऑन कर लेना, ठीक है। ये आप ऑन जब कर लोगे तो कोई भी फोटो वीडियो मैसेज जो भी चीज़ें होंगी कोई भी उसे डाउनलोड नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेगा तो स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएगा, यानी आप पूरी तरीके से सिक्योर हो कि सामने वाला बंदा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ गया है, ब्लॉक स्क्रीनशॉट फॉर कॉल, ठीक है। यानी जब भी आप बात करते हो तो कोई भी स्क्रीनशॉट ले लेता है या फिर वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है वो नहीं कर पाएगा जब इसे आप ऑन कर दोगे। अब यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो भाई साहब ने यहाँ पे पूछा था कि आपने ये नहीं बताया कि हम इन टू इनक्रिप्शन चालू कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था उस टाइम पे कि हो सकता है कि अभी ये बीटा टेस्टिंग में चल रहा है, क्योंकि हम बीटा यूजर हैं, हम लोगों को पहले मिल जाता है कोई भी अपडेट, आप लोगों को थोड़ा लेट मिलता है जब वो स्टेबल अपडेट हो जाता है तब। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चालू करने के लिए हम यहाँ पे अगर किसी के मैसेज बॉक्स में जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्ट जो है यहाँ पे हम गए व्हाट्सएप में या फिर गूगल का डी जो मीट है उसमें ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो, यानी आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो इन टू इन इनक्रिप्शन रहेगा ही। लेकिन ईमो में इन्होंने सेपरेट कर दिया है, यहाँ पे आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके सामने लाइव एग्जांपल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे स्वाइप भी हो रहा है, जो हमने यहाँ पे फ़ोन लगाया हुआ है डमी फ़ोन, उसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। थोड़े बहुत झलक आपको दिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे इन टू इन इनक्रिप्शन चालू होने की वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो सामने वाले बंदे ने इन टू इनक्रिप्शन चालू किया है, इसके वजह से हमने यहाँ पे ऑफ यानी बात भी नहीं कर रहे हम, फिर भी हम उसके प्रोफाइल में घुस के रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे। तो कुछ इस तरह से इन टू इनक्रिप्शन काम करता है, आप ऑन करके रखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे ही किसी के कॉन्टैक्ट में हम जाएंगे जिसका हम इन टू इनक्रिप्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 जो डॉट बना हुआ है उसके प्रोफाइल में जाके, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है इन टू इन इनक्रिप्शन का, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो एक नया प्रोफाइल बन के आ जाएगा और उनके प्रोफाइल के सामने एक ताला बन के आ जाएगा, यानी उस पर्सन से आप इन टू इनक्रिप्शन में बात कर सकते हो। तो जिस भी फ़ोन में अपडेट मिल गया होगा नया वाला स्टेबल अपडेट, तो वहाँ पे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना ऑटोमेटिक वो चालू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं,
कुछ लोगों को अभी मिल चुका है, कुछ लोगों को नहीं मिला है, हो सकता है उन्होंने पुराना फ़ोन यूज कर रहे हो, इसके वजह से भी होता है क्योंकि उसमें अपडेट नहीं मिलेगा नया वाला। तो इस तरह से आप अपने ईमो को ज़्यादा सिक्योरली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो का मकसद बस यही था कि हम आपको किस तरह से बता पाएँ कि आप कितना सिक्योर रह के ईमो पे बात कर सकते हो अपने परिवार से, अपने घर में, दोस्त से, रिश्तेदार से। बहुत सारे ऐसे फोटोज वीडियो होते हैं जो हम शेयर कर देते हैं, बाद में वो बंदा डाउनलोड कर लेता है, तो वो अब नहीं कर पाएगा, जिससे आप और भी ज़्यादा सिक्योर महसूस कर सकते हो। आज की वीडियो यहीं पर एंड हो जाती है और हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आप ईमो पे और ज़्यादा सिक्योरली रह सकते हो और ज़्यादा सिक्योरली बात कर सकते हो और ज़्यादा सेफली महसूस कर सकते हो। तो हमने बहुत सारी कोशिश किया आपको बताने की, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ गए होगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।